शीतला सप्तमी का पर्व जिले में सोमवार को आस्था व श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस दौरान शीतला माता का ठंडे भोजन का प्रसाद चढ़ाया गया। पर्व को लेकर महिलाओं ने घर में चूल्हे को ठंडा करने के साथ पूजा की। वहीं शहर के पुरानी सब्जी मंडी स्थित प्राचीन शीतला माता मंदिर व श्री हिंगलाज शक्तिपीठ स्थित शीतला माता मंदिर में सुबह से ही पूजा अर्चना व माता को बांसुरी का भोग लगाने को लेकर भारी भीड़ लगी रही। ऐसी मान्यता है कि सप्तमी का व्रत को करने से शीतला माता देवी धन धान्य से पूर्ण कर प्राकृतिक आपदाओं को दूर रखती है। बाड़मेर जिले में चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी पर सोमवार को शीतला सप्तमी का पर्व आस्था व श्रद्धा के साथ मनाया गया। पर्व को लेकर माता जी को ठंडा नैवेद्य चढ़ाकर ठंडा खाने की परंपरा है। इस दिन घरों में चूल्हे नहीं जले। एक दिन पहले रविवार को घरों में महिलाएं खाना व भोग बनाकर तैयार किया। वहीं सोमवार सुबह महिलाएं शीतला माता स्थान का पर्व पूजा अर्चना कर घर परिवार के लोगों को निरोगी रखने के साथ सुख शांति की कामना की। महिलाओं ने शीतला माता का व्रत रखकर बांसुरी का भोग माता को लगाया। वहीं कई जगहों पर महिलाओं ने समूह के रूप में एकत्रित होकर माता शीतला की कथा का वाचन किया। तो महिलाओं ने सुबह घर में ठंडे किए हुए चूल्हे व माता को बांसुरी का भोग लगा पूजा की। सप्तमी पूजने वाले परिवारों ने रविवार को भोग के लिए घरों में व्यंजन बनाए। वहीं शहर के सब्जी मंडी स्थित सबसे प्राचीन शीतला माता मंदिर में सुबह से ही महिलाओं की भारी भीड़ लगी रही। महिलाओं व युवतियों ने मंदिर पहुंचकर माता शीतला को बांसुरी का भोग लगाने के साथ माता की कथा व भजन किए। वे मंदिर में दोपहर तक लंबी लंबी कतारें लगी नजर आई। इसी तरह वहाँ हिंगलाज शक्तिपीठ स्थित माता शीतला मंदिर व अन्य मंदिरों में भी भीड़ लगी रही। हिंगलाज शक्तिपीठ में पुजारी की निशा में महिलाओं व युवतियों ने शीतला माता को ठंडे भोजन का भोग लगा पूजा अर्चना करने के साथ कथा का वाचन किया। महिलाओं ने पर्व की महत्ता व पर्व पर की जाने वाली कथा व मान्यता की जानकारी दी। सोमवार को महिलाओं ने सज धज कर रंग निवास स्थित शीतला माता मंदिर व शीतला माता स्थान को पर पहुंची व पूजा अर्चना की। इस दौरान माता जी को कोरा दीपक व बिना जली अगरबत्ती भी चढ़ाई गई। माता जी को महिलाएं आटे से बने जेवर चूड़ियां आदि चढ़ाने के साथ माता की पूजा के बाद पथवारी की भी पूजा की। शीतला सप्तमी पर्व को लेकर महिलाओं में उत्साह नजर आया। घरों में पूरा दिन एक दिन पूर्व बनाए गए भोजन का ही सेवन किया गया। साथ ही बच्चों में होने वाले चेचक व माता जैसी बीमारियों से व त्वचा संबंधी रोग होने पर माता के मंदिर में धोग लगाकर अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर बोल मां की।